हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा। स्नेहा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। मटन तो आप बहुत तरह से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनाकर देखिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारा 500 ग्राम मटन है। उसमें हम 5 प्याज हमने काट लिया है स्लाइस में, और ये हम इतना लहसुन, 2 से 3 पोटी लहसुन ले लिए थे हम, उसे हमने बड़ा बड़ा टुकड़े में काट लिए हैं। और 1 से 2 इंच अदरक का था, उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। ये 6 से 7 हरी मिर्च को हमने काट लिया है। हरी मिर्च को अभी हम नहीं डालेंगे, हरी मिर्च को हम बाद में डालेंगे। 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली, 1 स्पून धनिया पाउडर, 2 स्पून जीरा पाउडर और इतना 1/2 स्पून के आसपास हम काली मिर्च पाउडर लेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, और इसमें 1 स्पून हम सरसों का तेल डाल लेंगे, और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए, हम मिक्स करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखना है मैरिनेशन में। उसके बाद इसे हम पकाने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे, कुकर। ये हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसे रख देते हैं। अब हम गैस पे कुकर को चढ़ा लिए हैं। अब इसे गरम करके हमने इसमें इतना 2 स्पून के आसपास हमने तेल डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता, 5 से 6 सूखा मिर्च, 1/2 स्पून जीरा, और इसे हम तड़कने देंगे। ये हमारा मिर्च और जीरा सब तड़क गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मैरिनेशन करने के लिए ये डाला था मटन को, उसे अब हम इसमें डाल लेंगे। इसी तरह से हम डाल लेते हैं। अब इसे हम चला लेंगे, इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। इसे चलाने के बाद हम इस तरह से ढक देंगे, और इसका आंच मीडियम रखेंगे, और इस तरह से इसे हम दबा देंगे। ये पानी इसके धार से गर्म भी हो जाएगा, यही पानी हम इस मटन में डाल देंगे। इस तरह से 5-5 मिनट पे, 2-2, 3-3 मिनट पे हम इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम चला लिए हैं। अब ये जो मिर्ची हमने काट के रखा था, और ये खड़ा लहसुन, इसमें हम डाल लेंगे। इसे डालने के बाद इसे हम मिला लेते हैं। इसे मिलाने के बाद फिर से हम इसी तरह से इसे ढक देंगे। ये हमने ढक ढक कर 5-5 मिनट पे चलाते हुए हमने इसे इतना अच्छा से भून लिया है। इसका मसाला बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे, जितना हमें ग्रेवी रखना है उस तरह से हम पानी डाल लेंगे। देखते देख कर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा भी और पानी ऐड करेंगे हम। इतना हमने ऐड कर दिया है, और इसे हम सीटी लगा के 2 से 3 सीटी हम लगा लेंगे। ये हमारा 3 सीटी दे दिया है, ये चौथा सीटी देगा
फिर इसे हम बंद कर देंगे। बंद कर दिया, अब इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे सीटी निकल जाएगा पूरा अच्छे से अपने से, फिर इसे हम आगे कुछ करेंगे। इसका सीटी निकल गया है, अब इसे हम गैस पे स्लो में चढ़ा देंगे और इसमें गरम मसाला 1/4 स्पून डाल लेंगे और इसे हम चला लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा मटन बनकर रेडी हो गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाइएगा तो, आप भी ट्राई करिएगा। ये देखिए कितना मस्त है, ये देखिए कितना मजेदार लग रहा है। इसी तरह से आप भी ट्राई करिएगा। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।